हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्रेज़ा का वॉक अराउंड रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको इसका की दिखा देता हूँ। तो आप इस पर की देख सकते हैं, नॉर्मल की है जो हर मारुति की गाड़ी में मिलता ही मिलता है। तो ये अनलॉक का फीचर है, मतलब इसे अनलॉक कर सकते हैं और ये लॉक के लिए। तो बाकी आगे चलते देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या फीचर मिलता है। तो सबसे पहले जैसे अगर आप इसकी हेडलाइट की तरफ जाएंगे तो ये आपको डीपर मिलता है और ये अपर है। और साइड में इसका ग्रिल है, कुछ इस प्रकार का बड़ा सा ग्रिल मिलता है। ये 2019 मॉडल है, VDI। तो बाकी इधर नीचे चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर है और ये फॉग लैंप है। ये इसमें आता नहीं है, ये डलवाया गया इसमें, ठीक है। बाकी इधर नंबर प्लेट का प्लेसिंग रहता है, बाकी फ्रंट से कुछ अच्छा ऐसा दिखता है थोड़ा। तो ये आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है थोड़ा सा गाड़ी। ये 4 मीटर की गाड़ी, सब कॉम्पैक्ट SUV है। तो ये लेंथ में भी ठीक दिखता है, हाइट भी इसका ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 180 mm या 190 mm, बाकी मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इधर चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ DDI इसकी बैजिंग मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये क्या बोलते हैं डीजल वेरियंट है। और ये इंडिकेटर है, साइड इंडिकेटर मिलता है, ORV में इंडिकेटर नहीं मिलता। बाकी इधर आप टायर देखते हैं तो इसका टायर साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टायर साइज़, आप देख सकते हैं 205/60R16, 16 इंच का टायर मिलता है और इसमें अलॉय नहीं मिलता इस वेरिएंट में। और अगर इसके रियर प्रोफाइल में चलें तो आप इसका रियर प्रोफाइल देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का दिखता है। ब्रेक लाइट है, जैसे ब्रेक रहता है, ब्रेक जैसे ब्रेक व्रेक लगाते हैं तब ये जलता है, बाकी इधर कुछ नहीं। बाकी इधर साइड हम चलते हैं तो आप इधर देख सकते हैं, ये इसका कुछ टेल लाइट है, ये जो है ब्रेक लाइट है। बाकी इधर आप नीचे देख सकते हैं, ये इंडिकेटर है और ये रिवर्स है। और बाकी इधर और नीचे आप देख सकते हैं चार रिक्वेस्ट, बाकी आप देख सकते हैं चार पार्किंग सेंसर मिलता है इसमें, रियर कैमरा का ऑप्शन दिया ही नहीं आप देख सकते। बाकी इधर आप देख सकते हैं नीचे दो रिफ्लेक्टर दिया हुआ, बाकी इधर नंबर प्लेट का प्लेसिंग है और यहाँ विटारा ब्रेज़ा की बैजिंग मिलती है आपको, मारुति का बड़ा सा लोगो मिलता है। इसका विंडशील्ड भी बड़ा ही है, रियर विंडशील्ड जो है बड़ा ही है। बाकी आप देख सकते हैं इसका रियर प्रोफाइल और इसका बूट, मैं इसको बूट खोल के दिखाता हूँ आपको। तो आप इसका बूट देख सकते हैं, मैसिव बूट है इसका, मतलब पूरे सेगमेंट में तो बड़ा नहीं है लेकिन हाँ कुछ गाड़ियों से तो बड़ा इसका बूट है। बाकी आप इधर चलते हैं, मैं इसका जो बूट है, बूट जो साइज़ है मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये आपको मिलता है, तो जैसे ये है थोड़ा सा स्पेस मिलता है यहाँ कुछ सामान रखने के लिए, हट भी जाते हैं जैसे, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा अभी नहीं, बाद में मैं आपको उसको दिखा दूंगा। बाकी इस साइड भी मिलता है और यहाँ पास आपको ये मिलता है कि आप इसमें यहाँ पास पावर सॉकेट लगवा सकते हैं और बूटलेट लगवा सकते हैं। और इस साइड हम लोग अगर देखें तो यहाँ पास आपको कुछ सामान टांगने के लिए जो रूफ रेल मिलता है ये कंपनी की तरफ से मिलता है। बाकी मैं इसके इंटीरियर ले चलता हूँ, जैसे आप इसका ये देख सकते हैं, इसमें आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है, ये अंदर से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इधर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, ये ग्रैब हैंडल है, नीचे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर है, 1 लीटर का बॉटल आ जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसका स्पीकर, इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर आता है। तो मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, पहले मैं गेट बंद कर लेता हूँ और इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा आगे वाला जो सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट है और आप ये देख सकते हैं इतना स्पेस आपको यहाँ मिलता है। बाकी ऊपर में आपको क्या बोलते हैं पडल लैंप मिलता है, बाकी इधर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रैब हैंडल मिलता है और आपको यहाँ पर मिलता है ताकि आप टांग सकें। बाकी मैं आपको उसमें सेफ रियर सीट में दिखाता हूँ, तो आपको इस साइड भी सेम चीज़ मिलता है, ऊपर में ग्रैब हैंडल है यहाँ पर और पीछे आपको वहाँ पर वो एक और ग्लास मिल जाता है जिससे आपको थोड़ा सा खुला खुला लगता है अंदर बैठने में। बाकी इधर आप देख सकते हैं 2 हेडरेस्ट मिलता है, 3 हेडरेस्ट नहीं मिलता। मैं आपको इसको स्टेयरिंग दिखा दूँ तो स्टेयरिंग इसका कुछ ऐसा बड़ा सा मिलता है। बाकी मैं आपको इसका टैकोमीटर दिखा देता हूँ, जैसे मैं आपको इसका मीटर वीटर दिखा देता हूँ, तो एक सेकंड में गाड़ी चालू कर लेता हूँ तभी आपको दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं इधर आपको मीटर मिलता है, जैसे ये आप देख सकते हैं नीचे में आपको माइलेज शो कर रहा है, अभी 20 का माइलेज दे रहा है। ये कंपनी बोलता है कि 24 का ब्रेज़ा निकालेगा, ये डीजल वेरिएंट है तो इसमें 24 का निकालते तो अभी 20 दे रहा है। आप देख सकते हैं 59,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुका है। और इधर आपको RPM मीटर मिलता है और इधर आपको स्पीडोमीटर मिलता है। बाकी इसमें सब चीज़ आपको जैसे ब्रेक इंडिकेटर ये सब का फीचर मिलता है, यहाँ बीच में मिलता है थोड़ा सा आप देख सकते हैं वहाँ है। और यहाँ पास ट्रिप के लिए, जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाऊँ तो ये, अब जैसे मैं आपको ट्रिप दिखाऊं तो ट्रिप ये देख सकते हैं, ट्रिप ए और बी इतना चल चुका है। बाकी इधर साइड भी आपको एक तो मिलता है जिससे आप माइलेज वाइलेज देख सकते हैं, जैसे आपको रेंज देख सकते हैं। और आपको अगर माइलेज सिर्फ के जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसमें कितना माइलेज दे रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। बाकी आप इसमें टाइम भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं इस साइड लेके चलूँ आपको 2 AC वेंट मिलते हैं, 1000 लैंप का आपको स्विच मिलता है यहाँ। बाकी इधर आप देख सकते हैं इसमें ये नहीं मिलता हम लोग को, टच स्क्रीन नहीं मिलता, ये इसका नॉर्मल है। इधर कॉल उठा सकते हैं, कॉल काट सकते हैं।
बाकी इधर ये वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए नहीं, वॉल्यूम के लिए तो इधर रहता है, ये वॉल्यूम का है, बाकी ये चेंज करने के लिए है, एफएम के लिए, सेटअप के लिए, मोड के लिए, ये आप देख सकते हैं, टेम्परेचर के लिए कौन सा आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं, ये स्पीड रखना चाहते हैं, और बाकी इधर किस मोड में आपको हवा चाहिए, नीचे पैरों में भी, ऊपर भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब चीज़ का दिया हुआ है, ये डिफॉगर का है ये। और नीचे आपको दिखाऊँ तो यहाँ USB और AUX दोनों का मिल जाता है आपको, यहाँ पास 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। बाकी इसके नीचे चले तो आपको यहाँ पास कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं इसका, ये इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, और इस साइड भी आप देख सकते हैं इसमें वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड। बाकी इधर दिखाऊँ तो आप इधर ये ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, ये सब ग्लव बॉक्स है, बाकी इसके नीचे ये भी आपका छोटा सा देख सकते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। और इधर साइड मैं आपको लेके चलूँ तो इधर 2 कप होल्डर मिलते हैं जिसमें सैनिटाइज़र हम डाल के रखें, आजकल बहुत ज़रूरी है। इधर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है इसमें, जैसे आप क्या नाम है उसका, चॉकलेट वॉकलेट रखना चाहें या फिर कॉइन रखना चाहें तो हो सकता है। बाकी यहाँ पर इसका ये हैंड ब्रेक देख सकते हैं आप, पीछे में आपको दिखा दिया, ये थोड़ा सा स्पेस है। और बाकी मैं इधर दिखाऊँ तो आप इधर देख सकते हैं रियल सीट भी सेम इस टाइप का चीज़ जो इस साइड है, तो ये आप देख सकते हैं हेड एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। और बाकी उस डोर में भी सेम है, ट्विटर का प्लेसमेंट आप वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ ट्विटर का प्लेसमेंट वहाँ है जैसे यहाँ है सेम। और बाकी चीज़ गाड़ी में कुछ है नहीं। कैसा रिव्यू लगा आपको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।